गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस मैं लेके आ चुकी हूँ अपनी गर्मा गर्म चाय और बाहर का वेदर मैं आपको दिखा चुकी हूँ कितनी हवा चल रही है। तो गाइस मैं बाहर बैठ के चाय नहीं पीऊँगी और मैं अपनी चाय लूँगी आज अपने रूम में ही। जी हाँ, चाय लेने के बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ। तो पहले चाय ले लेती हूँ फिर करूँगी मैं ब्रेकफास्ट, आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों कैसे सोए पड़े हुए हैं, होश नहीं है दोनों को। लेट नाइट स्टडी करने के बाद, मस्ती करने के बाद ये हाल है कुछ दोनों जनाब का। और गाइस आज मैं ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ, ये देख सकते हैं, आज ब्रेड सैंडविच बनाऊंगी आज मैं अपने लिए। जी हाँ, दिस इज़ फॉर यू गाइस। आप चाय का जायज़ा लीजिए। और ब्रेड सैंडविच बनाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर ऐसे 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 ऐसे, और ये है हमारी ग्रीन चिली, जिसको इसको हम ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे डाल लेंगे इस टाइप से। इस पे हल्का सा नमक, जी हाँ। और मैं मेयोनीज़ वगैरह नहीं लगाती हूँ गाइस, मैं अवॉइड करती हूँ उसको। इसको हम लगाएंगे ऐसे। अगर आपके पास कुछ नमकीन वगैरह होता है तो आप बीच में लगा सकते हो, अदरवाइज़ ये बहुत ही टेस्टी होता है। सो आप ज्वाइन कीजिए। चले गाइस मैं ले लेती हूँ अपना नाश्ता। देखिए सब्ज़ी की तो मुझे टेंशन ही नहीं रहती है कि यहाँ पे बड़ी माँ सारी वेजिटेबल्स काट देती हैं। ये देखो इनको बड़ा मज़ा आता है, हरी सब्ज़ियाँ तो कितना भी कट कट करा लो इनसे। ये देखो ये मेथी इन्होंने ऐसी काटी है कि क्या मशीन काट पाएगी। देखो एक्सपीरियंस देखो गाइस, बहुत खुश रहती हैं, कुछ भी कटवा लो इनसे। और ये है मेथी, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। अच्छा लगता है ना आपको? बहुत अच्छा लगता है इनको तो। हरा धनिया हो गया और मेथी हो गई, पालक हो गया, वो सारी चीज़ें बड़ी माँ ही काट के देती है। मेरी ड्यूटी सिर्फ बनाने की है, बाकी इनको बड़ा आनंद आता है। बड़े अच्छे से काटती हैं, साफ सफाई से। यहाँ देखो कोई भी एक भी बिस्तर पे आपको नहीं मिलेगा, बेड पे न्यूज़पेपर लगाया हुआ है। ये देखो कैसे काट रही हैं, ये देखिए। जैसे गाँव में मशीन होती है ना काटने वाली, तो इनको ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए गाइस इनको ही छोड़ते हैं, काटते हुए भी कट जाएगी। धनिया भी पूरा कट के रखा हुआ है बड़ी माँ ने, ये देखो कितना बारीक धनिया। चटनी बना लो, दाल में डाल दो। हाँ, सब्जी में डाल दो। सही बोल रहे हो आप। तो ये भी काट के तैयार हो चुका है, अभी इसकी हम बनाएंगे पुदीने वाली चटनी। गाइस आप ये देख सकते हैं मैंने ऑर्डर करके एक बॉटल मंगाई है, ये मिकी माउस की, मुझे बहुत पसंद आ रही थी। सो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कशिश की ये बॉटल कैसी लग रही है। एक्चुअली मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी कि मैं एक बैग में कहीं जाती हूँ तो इसको कैरी करके लेके जा सकती हूँ। कैसी लगी मेरी ये बॉटल? 3 o'clock बज चुके हैं, दिस इज माई लंच टाइम, ज्वाइन गाइज। गाइज मुझे फिर से रील बनानी पड़ रही है। जी हाँ, घड़ी में अभी 6 o'clock हो चुका है गाइज, और मुझे फिर से अपना वीडियो शूट करना पड़ रहा है। बिकॉज कल लेट नाइट जब मैंने चेक किया अपना ड्राफ्ट, तो मुझे इतना गुस्सा आया और इतना दुख हुआ गाइज कि मेरा पूरा ड्राफ्ट उड़ चुका था। और मेरे 2 अकाउंट हैं इंस्टाग्राम पर, और दोनों ही अकाउंट में जो मैंने वीडियो ड्राफ्ट में सेव किया थी वो दोनों ही ख़त्म हो चुकी थी। कुल मिला के मेरी 20 वीडियोस थी वो ख़त्म हो चुकी थी गाइज। तो एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए कि इंस्टाग्राम पे अगर ड्राफ्ट में वीडियो सेव हैं और वो वापस मिल जाएं, अगर आपकी ख़त्म हो गई हैं किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो वो मिल जानी चाहिए। तो गाइज़ आप लोग क्या करते हैं जब आपकी वीडियोस ड्राफ्ट में होती हैं और अचानक से वो गायब हो जाती हैं, तो फिर आप लोग क्या करते हैं और वो कैसे लौट के आती हैं? मुझे तो ये पता ही नहीं है, मेरा तो पूरा ड्राफ्ट ही उड़ गया गाइज। सो इसलिए आज मुझे फिर से अपने कुछ ड्रेसेस पहन के वीडियो शूट करनी पड़ रही हैं। सीरियसली गाइज बहुत परेशान हो गई थी कल मैं, तो मुझे लगा कि यार इतनी अच्छी अच्छी रील्स मेरी ख़त्म हो गई, तो आज फिर से शूट करने जा रही हूँ मैं। और अभी मुझे लग जाएगा कम से कम 1 से 1.5 या 2 आवर्स भी लग सकता है गाइज, आई डोंट नो, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। चलिए गाइज मैं बना लेती हूँ अपनी वीडियो, शूट कल भी की थी, और आपको मैं मिलूंगी आफ्टर मेरी रील जब शूट हो जाएगी तब मैं आपको मिलूंगी, आप बने रहिए मेरे साथ। जैसे घड़ी में 6 o'clock हो चुका है। आफ्टर रील शूट गाइज बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी, और ये सफोला के नूडल्स रिंग नूडल्स टाइप हैं, और मुझे ये बनाने थे तो बनाती हूँ इनको। फाइनली गाइज मेरी मैगी नूडल्स सफोला वाली रेडी हो चुकी है, न्यू फ्लेवर है। और जो लोग मैगी नहीं खाते हैं मैदा, वो लोग ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ ये न्यू आया है और ये बहुत ही यम्मी है, टेस्टी है और आटे का है। और जी गाइस आप देख सकते हो 10:15 हो चुके हैं, 10:15, और अभी हो गया हमारे डिनर का टाइम। गाइस आज मैंने बनाई है ये भुजिया, बनाई है मैंने एग की भुजिया, और ये चपाती हैं, खाइए गाइस।
गाइज मेरा तो डिनर कंप्लीट हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं आदित्य को, ये नाइट में अपना गेम खेल रहा है आदित्य, देख रहे हो ना, देख रहे हो। और मेरी न्यू बॉटल के साथ, मेरी न्यू बॉटल लेके वो गेम खेल रहा है। तो गाइज मेरे सारे काम हो चुके हैं और मैं अभी फ्री हो गई हूँ, मैं आ गई हूँ अपने बेड पर, जी हाँ, और डिनर करने के बाद। और आज बहुत थक गई बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि रील शूट की थी मैंने काफ़ी, और घर के भी बहुत सारे वर्क होते हैं गाइज। और सो अभी बस मैं करूँगी अपनी एडिटिंग और सोने से पहले आपसे ले लेती हूँ विदा। आई होप ये ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, अगर ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग के साथ कशिश आपको फिर से मिलेगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल।